शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जानकारी पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? बहुत बुखार चढ़ा है तुझे आशिकी का। बेचारी मोहब्बत को तो हम तवायफों ने संभाल लिया। अरे पुलिस से बड़ा गुंडा कोई है शहर में? तुम तो जानवर हो जानवर। मुबारक हो चौधरी साहब, मुबारक हो। आओ आओ गोवर्धन आओ। साला कमाल का फिक्स कर दिया आपने उस मिनिस्टर को, अपनी बोतल में उतार दिया। अखा इंडिया का फटाका बनाने का लाइसेंस मिल गया, अब इन फटाकों के आड़ में अपना बारूद हथियार बनेगा। साला अपुन के लिए हर रात दिवाली की रात हो गई। ये तो हमारी जगमगाती सल्तनत का एक छोटा सा दिया है गोवर्धन। बहुत सी रंगीन दिवालियां तो अभी हमने मनानी है। आखिर हम सिकंदर के वारिस जो ठहरे, अब हम लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे, बिल्कुल सफेद पोश के माफिक। कॉमन सेंस की बात है, पीठ पर लगे छींटे खुद को नजर नहीं आते। आज का अखबार पढ़ा? क्यों पीताम्बर, कोई अच्छी खबर है? हाँ एक और अच्छी खबर है। वो जर्नलिस्ट बलजीत परमार अपनी कलम से हम सबका पर्दाफाश करने पर उतर आया है। लिखता है गजराज चौधरी मौत का सौदागर है, नशीली दवाइयां नाजायज हथियार बेचने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही? अरे भाई मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ, गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब, कलम की ताकत को शायद आप नहीं जानते। अपनी पे उतरा है तो तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है। बोलू तो अब भी फिक्स कर देता हूँ साले को। शांत गोवर्धन शांत, इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। गजन करण। तूने कुछ देखा? साहब बाल्टी लेकर नल पर मैं पानी लेने गया, इधर लफड़ा बढ़ गया, डर के मारे उधर ही छुप गया साहब। हमने कुछ नहीं देखा साहब। तूने कुछ नहीं देखा? नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने कुछ नहीं देखा? मैंने देखा है उसे। पापा आप क्यों इस मुसीबत में पड़ना चाहते? बेटा किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। एक्सक्यूज मी, तो आप शनाख्त करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि ये लोग बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं? मुझे किसी का डर नहीं इंस्पेक्टर, और फिर आप भी तो हैं। राइट, आप कल पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए, आई विल वेट फॉर यू। बेटे जब तू छोटी बच्ची थी ना तो तेरी माँ ने एक मेरे खिलाफ दवाई देगा? चांदनी पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? मेरी शनाख्त करने से पहले
तो अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल नहीं रोना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, घबराना नहीं बेटा, प्लीज बिल्कुल घबराना नहीं। श्रीनिवास जी, उस गुंडे ने मेरी काजल का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल नहीं कर रखा, बल्कि अब तो घर के आंगन में ही घुसाया है। इससे पहले कि इत्तेजा मेरी नन्ही कली को छुए, इसे बेअसर करना ही होगा। सिद्धांत बाबू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पुलिस स्टेशन में फोन कर देता हूँ, वो उस गुंडे को बुलाकर समझा देंगे।
साहब ले आए उसे। तो तू है, बहुत बुखार चढ़ा है तुझे आशिकी का, दिख रहा है। एक बार ये फिर गया ना तो चमड़ी का रोम रोम भारत माता की जय बोलेगा, समझा क्या? तेरे जैसों का जुग्राफिया मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, चोरी डकैती दंगा फसाद तो करते ही थे, अब शरीफ लड़कियों का पीछा भी करने लगे। मैं लिखता हूं तेरा प्रेम पत्र। क्या नाम है तेरा? करण। बाप का नाम? सांप क्यों सूंघा हरामी, बाप का नाम? मालूम नहीं। मां का नाम? मालूम नहीं। कोई हैरानी नहीं, आखिर तेरे जैसों के कितने बाप होंगे, खुद तेरी मां को भी मालूम नहीं होगा। आखिर तू ठहरा कंधे कटर की कंधी पैदाइश। पुलिस पर हाथ उठाया तूने? गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। बोलो। इस जमानत के ऑर्डर हैं। किसका है? करण का। नाम तुलसी भाई, पता कोठा नंबर 57, बेगमपुरा, पेशा वैश्या। वाह, क्या इज्जतदार जमानती है। मैंने तो सोचा था उसे छुड़ाने के लिए काले बाजार की कोई बड़ी हस्ती आएगी, लेकिन आई है तू। ये भी इतिहास में एक नई मिसाल होगी जब एक वैश्या ने अपने कोठे को गिरवी रखकर अपने यार को छुड़वाया। लगता है आजकल मोहब्बत सिर्फ तवायफ खानों में ही जिंदा है। दुनिया ने तो अपने दिल नफरत से इस कदर भर लिए है कि किसी और शय के टिकने की जगह ही नहीं बची। बेचारी मोहब्बत को तो हम तवायफों ने संभाल लिया, अब किसके दामन में अंगार है और किसके दामन में मोती, ये हम क्या जाने। इंस्पेक्टर साहब, तेरे इस मोती का तो रोज थानों में आना जाना रहेगा, कब तक छुड़वाती रहेगी उसको? जब तक मुझ में बिकने की हिम्मत है। अच्छा, बड़े तेवर है तेरे। मेरे साथ गलत सुर मत लगाना, ये जो चमड़ी का धंधा तुम लोगों ने लगा रखा है ना, सब बंद करा दूंगा। इस वर्दी की ताकत तू नहीं जानती। जिस वर्दी पे तुम्हें इतना गुमान है ना इंस्पेक्टर, बेगमपुरा में आना और देख लेना, शाम ढलते ही ऐसी कितनी ही वर्दियां हम तवायफों के कोठों के खूंटियों पे टंगी मिलती है। बकवास बंद कर वरना तुझे भी यही पर टांगूंगा। तो देख, हाय दया, पुलिस में भर्ती होने से पहले धोबी घाट पे कपड़े टांगने का काम तो नहीं करते थे? सर, सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये कार्रवाई जल्दी पूरी की जाए तो मेहरबानी होगी। हवलदार साहब, रजिस्टर में एंट्री करो और जाने दो उसे। तो मेरी जान पे रहेगा, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले आज उम्र भर के लिए। आज यकीन हुआ कि पुलिस के इंसाफ और जुल्म में कोई फर्क नहीं। चलो घर। अरे पुलिस से बड़ा गुंडा कोई है शहर में? यमदूत है मुए सबके सब, ये भी कोई मर्दानगी हुई? अकेले आदमी को सात सात पुलिस वाले मिलके मारे हैं, वो भी हाथ पांव बांध कर। अरे मैं तो कहती हूँ असली मर्द होते तो एक एक करके लड़ते मेरे शहर के साथ, दिख जाता सीमत कौन है। पिया जी, जाती हूँ।
पर क्या करूं इस मुए दिल का, इससे सब कुछ साबित नहीं जाता। इतनी लहूलुहान तो कभी फसाता थी, शायद मेरी आंखों में अब जख्म आ गए। काश उनके जुल्म की मुझे खबर होती तो मैं तेरे जिस्म पर अपना जिस्म बिछा देती। ऐसे क्या देख रहा है तू, मेरी जान लेके रहेगा? क्या हो गया तुझे, ऐसा कैसे चलेगा? काम धंधा कुछ है कि नहीं? इस तरह लड़की के लफड़े में पुलिस की मार खा गया। ची, लाना था तेरे पे। अबे इससे तो अच्छा होता कोई कत्ल करता, कोई डाका डालता तो अपन का भी इज्जत का बात था। साला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना। हाँ अबे लौंडियों की क्या कमी अपन लोग को, बोल। सारा बेगमपुर छिनालों से भरा हुआ है। इतना ही तेरा दिल आ गया उस लड़की पे तो खुश कर देते हैं तुझको, लेकर आते हैं उसे। छोड़ो हमारा रास्ता, आखिर क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हाँ क्यों हमें चैन से जीने नहीं देते? नहीं चाहिए हमें ये घुटन, नहीं चाहिए। तुम ताकतवर हो सकते हो लेकिन इंसान नहीं, तुम तो जानवर हो, जानवर, वैसी जानवर। अगर शराफत की हद पार करके दूसरों की इज्जत रौन सकते हो तो आज हम भी खौफ की हद तोड़कर तुम्हारी वहशत का सामना करेंगे। ये लो, मिटा लो अपनी गंदी हवस, कर लो हमें रुस्वा, मार डालो हमें। हर पल जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो हमारा मर जाना ही अच्छा है। कम ऑन, किल मी, किल मी, किल मी, कम ऑन। हरामी दारू गिरा दी। अरे मूड का भाजीपाला कर दिया, अब क्या अपनी जेब से पैसे भरेगा? यहाँ क्या करता है? खाना मिलता है। कहाँ रहता है? सड़क पर। बाप? मालूम नहीं। माँ? मालूम नहीं। तेरा नाम? टाइम पास। टाइम पास? सब कहते हैं मेरा नाम टाइम पास है क्योंकि मैं दूसरों के टाइम पास के लिए पैदा हुआ।
ये हाफ टिकट कौन है? टाइम पास, अपना टाइम पास। कहाँ मिला? वही जहाँ हम अपना बचपन खोए थे। ए इधर आ। जाओ। आ बैठ। खाना खाएगा? चलेगा। बिल्कुल अपुन के जैसा ही दिखता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। पानी ले, पानी पी और पप्पी दे। नहीं दूंगा। क्यों? बात आती है मुझसे। ये साला डेड फुट, पप्पी दे नहीं तो दूंगा एक चमाट। ए गेंडे, मुझे पटरी से मत उतार, अगर मैं उतर गया ना तो उल्टा चलता हूँ, समझा क्या? ए चार आना की मुर्गी, बारह आना का मसाला, तेरी तो वहाँ का मास्टर बहुत कड़क होएगा। करण बाप ने को स्कूल नहीं जमता ना। करण बाप। ए ए ए जल्दी आ रहा है, जल्दी। ए जाने जल्दी आ, ऊपर आ जा, ऊपर ऊपर। हाँ जल्दी आ। करण बाप वो लड़की कितनी मस्त है ना। ये देखो। बसने बहुत भीड़ है भाई। काजल। ए मिस्टर। ब्रेक संभाल के मार भाई। बस में बहुत भीड़ है। ये क्या बदतमीजी है? और तक चलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है तुम्हें? चल। सीधी खड़ी रह। कमीने, छोड़ दे मुझे। बस पुलिस स्टेशन ले। कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे थे। हाँ हाँ, इन्होंने गुंडागर्दी किसी लड़कियों के साथ में, गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये बिल्कुल बेकसूर है, इन्होंने जो कुछ भी किया हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है। छोड़ दो इसे।
तुम यहाँ से क्यों आए? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? वांदा नहीं, मैं तो तुम्हें देखने आया था। तुम्हें हमारी इतनी फिक्र की? अब उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? मुझसे दोस्ती करोगी? घोचू, मालूम भी है दोस्ती क्या होती है? मालूम है, जिसको दोस्त बोलो उसको बोरो ऊपर दिल में बिठाना चाहिए। और कोई मारा मारी नहीं, ओके? प्रॉमिस? पहले घुमाने लेके चलो, फिर प्रॉमिस। ओके, क्या नाम बताया था तुमने? करण भाई। वो इतनी मारपीट क्यों करते हैं? करण भाई बोले ये शहर नहीं है, जंगल है जंगल। यहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं, अगर हम उनके साथ मारपीट नहीं करेंगे तो वो हमें खा नहीं जाएंगे। उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है? दीदी, आप हमेशा करण भाई के बारे में क्यों पूछती हो? क्या तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो? करण अच्छा क्यों नहीं बनता? करण अच्छा ही तो है, अगर अच्छा नहीं होता तो तुम उसका नाम बार बार क्यों लेती? मैं चाहती हूँ वो ये झगड़ा फसाद छोड़ दे, बिल्कुल सुधर जाए। क्या वो सुधर जाएगा? क्या मालूम, कोई बोले तो सुधर भी सकता है। तुम बोलो ना उसको सुधरने को। करण भाई, हैरान हो गए ना हमें यहाँ देखकर? डॉक्टर ने आपको मना किया है क्या? किससे? हंसने से। वैसे हंसना मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? आपका टाइम पास बहुत शरारती है, मगर हमें पसंद आया, उसने हमसे दोस्ती जो कर ली है। तुम ऐसे क्यों हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? मालूम नहीं। पीछा क्यों किया करते थे? तुम कितनी देर तक मेरे साथ हो? क्यों? मैं इतनी लंबी बात कम वक्त में नहीं बोल सकता। हर चीज कहने का एक सही तरीका होता है करण। देख, मैं तेरी तरह समझदार नहीं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ मालूम नहीं। एक अजीब सी चीज थी जो मुझे तेरे करीब ले आती और तू डर जाती। लेकिन ये भी ना सोचा हम कितने रुसवा होते। देखो, जिसे इंसान अपना समझे, दोस्त माने, उसे रुसवाई नहीं देते। दोस्ती का मतलब है दूसरों की खुशी, त्याग, बलिदान। दोस्ती तो इबादत है, रुसवाई नहीं। तुम इतनी मारपीट क्यों करते हो? हो जाता है। तुम्हें इस खून खराबे से डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? हमारा मतलब है, जैसे उस दिन हमारी शिकायत पर, सुना है पुलिस ने तुम्हें बहुत मारा था, बहुत दर्द हुआ होगा ना? नहीं। क्यों? तब तुम्हारा चेहरा जो मेरे सामने था। चले बिल प्लीज। सलाम। कोई बात नहीं मैम साहब, ये जगह तो करण भाई की मेहरबानी से चलती है, हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? बहुत इज्जत करता है मेरी। तुम क्या समझते हो, ये लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? कोई इज्जत बेइज्जत नहीं करते, तुमसे डरते हैं करण, तुम्हें गुंडा समझते हैं। गुंडा? मेरी बात तो सुनो काजल। क्या कहना चाहते हो?
क्या साबित करना चाहते हो? यही कि तुम कितने ताकतवर हो? पर ये ताकत उम्र भर साथ नहीं देने वाली करण। ये ताकतवर हाथ 100 आदमियों को एक साथ नहीं मार सकते, लेकिन लाखों लोगों को प्रणाम तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी ताकत किसी अच्छे काम आए। मैं तुम्हें बिल्कुल बदला हुआ देखना चाहती हूँ करण। हमें घिन आती है ऐसी जिंदगी से जो जुर्म और गुनाह से सनी हुई हो। छोड़ दो ये सब प्लीज, हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए। वादा करो करण, तुम ये सब छोड़ दोगे। वादा करो।